इधर राजा नल भी जब जंगल में से गुजर रहा था तो एक जगह वन में आग धधक रही थी, उसमें एक सर्प जल रहा था। नल की नजर अचानक उस व्याकुल सर्प पर पड़ी तो नल को उस पर दया आ गई। नल ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वह आग में कूद गया तथा सर्प को जलने से बचा दिया। लेकिन उस करकोटक ने नल की वफादारी का बदला बेवफाई से दिया, नल को डंक मार दिया जिससे नल का शरीर एकदम काला पड़ गया। तो नल अपने रूप को देखकर परेशान हुआ और करकोटक से क्या कहता है, के नुकसान करा मन तेरा, तेरी गैल भलाई कर दी अग्नि में काजा जलता, तन्ने मेरी गैल बुराई कर दी, के नुकसान करा मन तेरा, हरी भजन में जान धरा था, तेरी गैला बे बात मरा था, सोरण कैसा सात खरा था, सोरण कैसा सात खरा था, तन्ने गात मेरे मैं चाही कर दी अग्नि में ते कज्जा जलता, तन मेरी गैल बुराई कर दी, के नुकसान करा मन तेरा, तन समझ के मैं बेकूप खो दिया, रहा सहा नल भूप खो दिया, चंद्रमा सा रूप खो दिया, चंद्रमा सा रूप खो दिया, मेरी लोग हंसाई कर दी अग्नि में ते कज्जा जलता, तन मेरी गैल बुराई कर दी, के नुकसान करा मन तेरा, सर करड़ाई का धोखा से आज तेरा भी आया मौका से, मेरी गैल करा धोखा से, तन मेरी गैल करा धोखा से, मन तेरी मन चाही कर दी अग्नि में ते कज्जा जलता, तन मेरी गैल बुराई कर दी, करकोटक एकदम मनुष्य जून बदल कर नल के सामने आ खड़ा हुआ। कहने लगा नल से कि श्रीमान, मैं आपको एक वरदान दिया है, मैं ये एक धोती तुझे देता हूँ, जब तक यह वस्त्र तेरे शरीर पर रहेगा तब तक तेरे शरीर का रंग काला रहेगा, इसे उतारते ही गोरा हो जाएगा और इस प्रकार तुझे कलयुग भी नहीं पहचान पाएगा। और क्या कहने लगा करकोटक, लक्ष्मी चंद कहे तेरे बसोगे, धन के लागे तेरे बसोगे, हटके फूल बखेरे बसोगे, हटके फूल बखेरे बसोगे, मन इसी चतुराई कर दी अग्नि में ते कज्जा जलता, तन मेरी गैर बुराई कर दी, के नुकसान करा मन तेरा, तेरी गैर भलाई।